हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MI टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल में। देखिए यहाँ पे आज हम बताएंगे उन बच्चों के नाम जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिनका बैच 10 मार्च को स्टार्ट होगा, यानी कल से। कल तक सबको यहाँ पे पहुँचना है, क्लास परसों से स्टार्ट किया जाएगा। तो जिनका है उनका नाम बता रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है भगत सिंह, जो कि है अलवर राजस्थान से। और दूसरे नंबर पे ये महेंद्र कुमार का रजिस्ट्रेशन था, जो कि नेक्स्ट बैच में आने के लिए कह रहे हैं, ये कानपुर से थे, उत्तर प्रदेश। और जीतू कुमार ये पटना बिहार से हैं। और अमित कुमार सिंह ये डुमरिया बिहार से हैं। और मुर्सलीन अंसारी झारखंड से हैं, परवेज अंसारी झारखंड से, और सुरेश कुमार ये हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये सभी लोग, और अभी नाम बाकी हैं, ये सभी लोग कल तक यहाँ पे आ जाएंगे, परसों से क्लास स्टार्ट होगा। और रंजीत प्रजापति बालेश्वर उड़ीसा से हैं, उपेंद्र शाह ये गढ़वा झारखंड से हैं, और रघुवंश प्रसाद सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं, संदीप कुमार चंपारण बिहार से, और रईस आलम कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा कुछ जो पिछले बैच में अब आने के लिए बोल रहे थे, तो इसमें है ये संदीप कुमार जिनका ये चंपारण बिहार से हैं, और रईस आलम कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, और ये नरेंद्र कुमार सिंह जयसपुर छत्तीसगढ़। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस वाले बैच में, जो कि हमारा 10 मार्च से पहले स्टार्ट, 10 मार्च को मतलब स्टार्ट होगा। और 10 मार्च तक सबको यहाँ पे पहुँचना है, क्लास तो 11 से स्टार्ट किया जाएगा। तो सभी लोग जैसे भी हो सके कल परसों में यहाँ पे आ जाइए। और जो लोग देर से भी आने वाले हैं वो एक बार फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे एक लोग ऐसे थे जिनको हाउस वायरिंग नहीं सीखना था, तो हम उनसे कह दें कि हाँ, आप 3-4 दिन बाद आइएगा, क्योंकि शुरू में जो कोर्स चलता है वो हाउस वायरिंग का ही चलता है। तो सभी लोग आ जाएंगे टाइम से अपने, और यहाँ पे जब भी आ जाएंगे रेलवे स्टेशन या रोडवेज, उनको रिसीव करने की सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वहां से निकले हो सके तो तभी फोन कर दें, या फिर जब यहां पे पहुंचे तब फोन करें। आजमगढ़ में चाहे कहीं भी आ जाए, रेलवे स्टेशन या रोडवेज, आपको वहां से रिसीव किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके रहने वगैरह की सारी व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।